नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन प्रियोलकर और आप देख रहे हैं प्रियोलकर इंजीनियरिंग वर्क। आज मैं आपको गाय का, बकरी का और मुर्गी का घर दिखाऊंगा जो कि मैंने बनाया है। ये बहुत बड़ा है, ये ऊपर बकरी का है, ये मुर्गी का है। ये छोटा से घर बनाया है, उसको पानी पीने के लिए भी व्यवस्था की गई है। छोटे घर में ये खाना खाने के लिए, ये ऊपर बैठने के लिए मुर्गी को, ये बकरी का है, ये बकरी का पानी पीने का। एक कैसे बनाते हैं वो शुरू करते हैं बनाने। पहले हम स्क्वायर ट्यूब काटेंगे, उसकी फ्रेम बनाएंगे 10 फीट बाय 55 इंचीस। से दो फ्रेम बनाएंगे। अभी हम फ्रेम स्क्वायर ट्यूब लगा के जोड़ेंगे, सपोर्ट लगा के। बीच में सपोर्ट लगाने के लिए अभी स्क्वायर ट्यूब काटेंगे 20 बाय 20 का। अभी हम ऊपर सपोर्ट लगाएंगे। अभी हम उसके लिए डोर बनाएंगे बकरी के लिए। अभी हम बीच में सपोर्ट लगाएंगे। अभी हम ऊपर लगाएंगे सपोर्ट। अभी हम शेप पार्टीशन बनाएंगे मुर्गी को अंडा डालने के लिए। बीच में सपोर्ट लगाएंगे। ये 18 इंच बाय 18 इंच है। अभी हम बेस के लिए एंगल काट के क्लैंप बनाएंगे। वो अभी हम फिटिंग करेंगे वेल्डिंग मार के। अभी हम उसको पूरा वेल्डिंग मारेंगे। अभी हम ग्राइंडिंग करेंगे। अभी हम इसको ऑयल प्राइमर मारेंगे। अभी हम उसको ब्लैक पेंट मारेंगे।
अभी हम उसके लिए पार्टीशन बनाएंगे और ऊपर बकरी का खाना डालने का बनाएंगे, इन नीचे मुर्गी का। ये बकरी का ऊपर दरवाजा फिट करने के लिए। अभी हम बकरी का नीचे उतरने का दरवाजा बनाएंगे। पहले हम फ्रेम बनाएंगे 2 फुट बाय 3 फुट। अभी हम बीच में सपोर्ट लगाएंगे। अभी हम उसको पट्टी लगाएंगे 30 बाय 5 की। पट्टी लगा के रेडी हुआ है। अभी हम इसको पूरा वेल्डिंग मारेंगे। अभी हम इसको ग्राइंडिंग करेंगे। अभी हम इसको प्राइमर मारेंगे। अभी हम इसको टावर बोर्ड फिट करेंगे। इसके लिए वो टावर बोर्ड पहले रेडी करेंगे। अभी हम फिट करेंगे गेट को। अभी हम हैंडल फिट करेंगे वेल्डिंग से। अभी हम इंचेस फिट करेंगे। अभी हम इसको ब्लैक पेंट मारेंगे। अभी हम इसके ऊपर पीस लगा के उसको स्लोपिंग स्क्वायर ट्यूब लगाएंगे। इसके ऊपर पत्रा डालने का है, 1 फुट का स्क्वायर ट्यूब का पीस वेल्डिंग मारेंगे। भी स्लोपिंग स्क्वायर ट्यूब वेल्डिंग मारेंगे। भी उसका 5वां पोल वेल्डिंग मारेंगे। इसको सपोर्ट वेल्डिंग करेंगे। इसका 6ठा पोल है, बीच में सपोर्ट लगाएंगे। 6ठे से 7वें को ऊपर से पोल लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये स्क्वायर ट्यूब लगा के रेडी हुआ है। अभी सिर्फ पत्रा ही डालने का बाकी है। पत्रा उठा के ऊपर से और नीचे से लॉक करेंगे। ये सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू है 1 इंच का। ये पत्रे का जॉइंट के लिए 55mm का स्क्रू लगाएंगे। अभी उसको प्राइमर मारेंगे।
देखिए दोस्तों, ये अभी पत्रा डाल के रेडी हुआ है, ऊपर का काम पूरा हुआ है। ये लॉकडाउन की वजह से थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ा मुझे, सामान भी मिल नहीं रहा था, इसलिए थोड़ा थोड़ा काम किया है। ये अभी पेंट मार के रेडी हुआ है पूरा, अभी हम इसको शीट फिट करेंगे, सेल्फ बनाएंगे। अभी हम उसको लकड़ी फिट करेंगे, हाफ हाफ इंच गैप रख के, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से। साइड में 55 mm का स्क्रू और बीच में 32x8 का स्क्रू, SS का स्क्रू। काउंटर मार के अंदर फिट करेंगे, नहीं तो वो ऊपर रह जाएगा। देखिए दोस्तों, रेडी हुआ है लकड़ी का ये लगा के। अभी हम पतरा बेंड करेंगे, उसका एज कट करके स्क्वायर ट्यूब की साइज अंदर डालेंगे। अभी हम उसको सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से पतरा फिट करेंगे फ्रेम को। एज जॉइंट को फिट करेंगे। अभी हम पार्टीशन को पतरा फिट करेंगे, ए शेप पार्टीशन है, नीचे फिट करेंगे पहला। देखिए दोस्तों, ये डाल के हुआ है नीचे वाला। अभी हम साइड से पतरा लगाएंगे पार्टीशन को। सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से ये भी डाल के हुआ है रेडी। भी पीछे से लगाएंगे, ये उसको शेड डोर बनाने का है। ये भी रेडी हुआ है, देखिए दोस्तों। ये साइड से पतरा लगाने का, ये भी डाल के रेडी हुआ है साइड से। अभी हम नेट फिटिंग करेंगे 12x12 का, वो दिखता नहीं है, छोटा है। उसको पट्टी लगा के बीच में होल मार के सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, नेट फिटिंग करके हुआ है, साइड में हुआ है, ये टॉप में भी हुआ है।
अभी हम डोर बनाने के लिए स्क्वायर ट्यूब काटेंगे, अभी उसकी फ्रेम बनाएंगे। बीच में सपोर्ट लगाने लिए काटेंगे, फिट करेंगे। छोटा पीस काटेंगे, फिट करेंगे वेल्डिंग से। अब इसको पूरा वेल्डिंग मारेंगे। अभी हम ग्राइंडिंग करेंगे। अभी हम इसको ऑयल प्राइमर मारेंगे। अभी हम इसको लेंच बनाएंगे, के लिए पट्टी काटेंगे, होल मारेंगे, बीच में उसको ग्रूव बनाएंगे। अभी हम लेंच दोनों पट्टी वेल्डिंग मारेंगे, बाद में घिसेंगे, रॉड वेल्डिंग करेंगे। पट्टी काटेंगे, लेंच को पूछ वेल्डिंग करेंगे। अभी इसको पूरा वेल्डिंग मारेंगे, घिसेंगे। अभी हम गेट को लेंच फिट करेंगे। पूरा वेल्डिंग मारेंगे, इसको इंचेस वेल्डिंग करेंगे, स्क्रू लगाएंगे बाद में। साइड में पट्टी वेल्डिंग करेंगे नेट फिटिंग करने के लिए, इसको ग्राइंडिंग करेंगे, इसको प्राइमर मारेंगे। अभी हम इसको ब्लैक पेंट मारेंगे। अभी हम नीचे पतरा फिट करेंगे, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से। अभी हम नेट फिटिंग करेंगे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से। देखिए दोस्तों, अभी ये स्क्रू लगा के रेडी हुआ है। अभी हम उसको रेबिट मारेंगे बीच में, पॉप रेबिट। अभी हम दरवाज़ा फिट करेंगे फ्रेम को, अभी फिट करके हुआ है ये। अभी हम बकरी का दरवाज़ा, उसको हम ब्लैक पेंट मारेंगे। बकरी का खाना डालने का दरवाज़ा, उसके ऊपर अभी जाली फिट करेंगे सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू से। स्क्रू को वॉशर डाल के स्क्रू फिट करेंगे। ये 12x12 की जाली है। ये भी रेडी हुआ है। अभी बीच में इसको
पोप रैबिट मारेंगे ताकि कोई निकाल नहीं सके। जाली जल्दी, अभी ये फिट करने के बाद अभी हम बकरी का दरवाज़ा फिट करेंगे नीचे आने का। अभी हम साइड में बूच वेल्डिंग करेंगे टावर बोल्ट की, और बीच में लॉक डालने के लिए एंगल फिट करेंगे। अभी हम जाली फिट करेंगे पट्टी से, होल मार के बीच में स्क्रू लगाएंगे, सेल्फ ड्रिलिंग स्क्रू। ये भी रेडी हुआ है। अभी हम बकरी का और जो पार्टीशन किया है वो अंदर मुर्गे का, उसको हम जाली फिट करेंगे। अभी हम बकरी का लॉक क्लिप वेल्डिंग करेंगे। अभी हम मुर्गी का खाना डालने का फिट करेंगे। ऐसा चार पाइप फिट करेंगे, ऊपर से खाना डाला तो बाद में वो पाइप से अंदर जाता है ट्रे में, उसको हम ड्रिल मार के 6 mm का टेप डालेंगे। देखिए दोस्तों, ये फिट करके रेडी हुआ है। ये ऊपर लेके रखने के लिए अभी हम छोटा से डोर बनाएंगे पट्टी का। पहले हम फ्रेम बनाएंगे, बीच में सपोर्ट लगाएंगे, अभी हम इसको पूरा वेल्डिंग मारेंगे। अभी ग्राइंडिंग करके प्राइमर मारेंगे, ऑयल प्राइमर। अभी हम उसको इंचेस फिट करेंगे रैबिट से, एल्यूमिनियम रैबिट। अभी हम लॉक क्लिप फिट करेंगे। अभी हम फ्रेम को होल मारेंगे पतरा फिटिंग के लिए। अभी हम इसको ब्लैक पेन मारेंगे। अभी हम पतरा बैंड करेंगे, एज बैंड करेंगे, नहीं तो ये हाथ को लग जाएगा। अभी हम फ्रेम को पतरा फिट करेंगे, पहले हम लॉक करेंगे, बाद में होल मार के रैबिट से पंचिंग करेंगे। अभी हम लॉक क्लिप फिट करेंगे। अभी हम दरवाज़ा फ्रेम को फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम अंदर से एंगल फिट करेंगे वेल्डिंग मार के, बाहर से लॉक क्लिप लगाने के लिए। अभी हम उसको होल मारेंगे, अभी दूसरा होल मारेंगे। अभी फिट करेंगे। देखिए दोस्तों, ये रेडी हुआ है सब दरवाज़ा, सही दरवाज़ा पार्टीशन का।
ये मुर्गी का अंडा डालने का जगह है। अभी हम मुर्गी पानी पीने का बनाएंगे। पहले हम छोटा होल मार के उसको होल बनाएंगे, बाद में बड़ा होल मारेंगे। अभी हम उसको थ्रेड निकालेंगे टैप से। अभी हम ये पाइप फिटिंग करेंगे। अभी हम मुर्गे का पानी पीने का कप फिटिंग करेंगे। इसको थ्रेड को सिलिकॉन लगा के वो पाइप को फिट करने का। देखिए दोस्तों, ये पाइपलाइन रेडी हुआ है, कब पूरा फिट करके हुआ है। अभी हम टेस्ट करेंगे पानी आता है या नहीं आता है। देखिए दोस्तों, पानी आता है। ये तीन पार्टीशन बनाया है, उसको पार्टीशन को भी वो कप फिट किया है ऊपर और नीचे। एक ट्रे खाना खाने का बाहर से पाइप में डाला तो अंदर आता है। ये अभी हम बकरी का फिट करेंगे, उसको टेप्लोन टेप से लगाएंगे और बाद में उसको FT लगाएंगे। अभी पाइप का टुकड़ा लगाएंगे। अभी इसको यूनियन लगाएंगे। यूनियन को ऊपर पाइप का टुकड़ा लगा के एल्बो लगाएंगे। देखिए दोस्तों, ये 2 फीट करने का है। अभी हम पहले मार्क करके होल करेंगे। उसके बाद उसको 8 mm का थ्रेड निकालेंगे टैप से। अभी हम ये फिटिंग करेंगे। अभी हम मार्क करके जाली कट करेंगे। उसको पाइप का टुकड़ा फिट करेंगे। अभी हम
एक साइड में एल्बो फिट करेंगे और दूसरे साइड में टी फिट करेंगे। अभी हम यहाँ से बॉल वॉल का कनेक्शन करेंगे उस टी को। अभी ये पूरा हुआ है प्लंबिंग का काम। ये गाय की जगह है और ऊपर टैंक भी फिट किया है 500 लीटर का। इधर नेट फिटिंग किया है पूरा। एक गाय रखने का जगह है, ये साइड में भी नेट फिट किया है। ये शेप पार्टीशन है, ये बकरी का ऊपर बकरी का जगह है। ये मुर्गी के लिए बैठने के लिए किया है। ये चार रूम बनाया है। मुर्गी के लिए ये मुर्गी का खाना खाने के लिए ये पूरा प्रोजेक्ट मैंने अकेले आदमी ने किया है बिना किसी की मदद से। देखिए दोस्तों, पानी आ रहा है ये बकरी का पानी पीने का। अगर ये पूरा प्रोजेक्ट मेरा आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने प्रियोलकर इंजीनियरिंग वर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए।